السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده साहब का टाइम है इनशाला अद तकरीर इनशाला मुका देनी
बस कोई 20-25 मिनट मैं आप दे सामने चंद गुजारशात रखना चाहना। नबी पाक अलैहिस्सलाम एक दिन देखा कि एक सहाबी कुछ दिनों तो नजर नहीं सन आ रही। आप अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि मेरे सहाबा फलां शख्स फलां सहाबी नजर नहीं आ रहा। सहाबा चो एक सहाबी रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, हुजूर इजाजत दो मैं जरा खबर लेके आऊ। खबर लेके आए अल्लाह के पाक पैगंबर अली सलाम, वो तुहाडे सहाबी साढ़े भाई बड़े बीमार ने, इस वजह तो नहीं आ रहे। आप अली सलाम अपने साहब रोंदे घर अंदर तशरीफ लै गए तो सहाबी इस तरह सन जिमें सुख के बंदा टीला हो जाता, बड़े बीमार चार पाई ते लेटे इहदे जिमें बंदा मंजी नाल मंजी हो जाता। आप अली सलाम ने उन्हां दी तकलीफ देख के सवाल किया, मेरे प्यारे किधरे अल्लाह को बीमारी मंग के ते नहीं लई? सहाबी अर्ज करते ने, हजूर तुसी जहन्नम के बारे आगाह फरमाया, मैनू डर बड़ा आया तो मैं अल्लाह को यह सवाल किया, या अल्लाह मेरी जो गलती गुनाह हो जाए ना वो सजा मैनू दुनिया च ही मिल जाए आखरत च ना मिले, मैं उस दिन का बीमार हाँ। आप अली सलाम ने फरमाया इंज नहीं सी कहना, बल्कि अल्लाह ताला को दुनिया की भी खैर मंगी दी है ते आखरत की भी खैर मंगी दी। आप अली सलाम ने फरमाया मेरे सहाबी हुण कसरत नाल पढ़ना, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना व किना अदावन नार। या अल्लाह मेरी दुनिया भी अच्छी कर दे आखरत भी अच्छी कर दे, यह वजीफा पढ़ना। सहाबी ने चंद दिन कसरत नाल ये दुआ पढ़ी, अल्लाह ने अपनी रहमत नाल अपने बंदे नू शिफा अता फरमाई। इस हदीस चो ना तीन बातें जिहड़ियां मैं बड़े इख्तिसार नाल करना चाहना, तीन बातें जिदों अल्लाह को मंगो दुनिया आखरत की खैर मंगो। ये नहीं अल्लाह पाक नू कहना कि दुनिया तबाह हो जाए मेरी दुनिया उजड़ जाए रह जाए ना, अल्लाह मेरी दुनिया भी अच्छी कर दे अल्लाह मेरी आखरत भी अच्छी कर दे। पहली बात अल्लाह ताला नू ये भी पसंद नहीं कि बंदा दुनिया तो कट जाए बेनियाज हो जाए कमरे च बंद हो जाए, ला रहबानियत फिल इस्लाम। और अल्लाह ताला नू ये भी पसंद नहीं कि बंदा दुनिया का होके तो रब नू ही भूल जाए, ताइसा अब्दुद दीनार व दिरहम, ये भी तबाही जो अल्लाह को मंगो दुनिया भी अच्छी आखरत भी अच्छी। नंबर दो अपने अल्लाह को दुनिया आखरत की भलाई मंगनी, बीमारी तकलीफ नहीं मंगनी, और दुनिया तो बाद अगर दुनिया का मुकाबला आखरत नाल हो जाए जन्नत नाल हो जाए, दुनिया जाती है जाए लेकिन रब रसूल जाने चाहिए। मिलके बोलो रब रसूल जाने चाहिए, जन्नत हर सूरत मिलनी चाहिए। है एक गल तुहाडे सामने गोश गुजार करांगा, तुसी जरा तवज्जो फरमाना। ए दुनिया है, ए दुनिया अंदर ऐसा दिल नहीं लाना कि दुनिया अंदर बंदा दिल ला के आखरत को भूल जाए, मंगना सब कुछ। नबी पाक अली सलाम ने हजरत अनस नु दुआ दी, अल्लाहुम्मा अक्सिर मालहू व वलदहू व बारिक लहू फी व अदखिलहुल जन्ना। या अल्लाह अनस नु माल भी दे औलाद भी दे बरकत भी दे, अल्लाह जन्नत भी दे। माल मंगया दुनिया का औलाद मंगी दुनिया की ते जन्नत मंगी आखरत की, मतलब दोनों चीज़ों का सवाल। आ दुनिया के हालात की ने दुनिया चीज की है, आओ जरा कुरान सुनो। अल्लाह पाक ने फरमाया है वल बनीर वल कनाती
बारिश हुई है, दो संदर आ गए ने, हुण तुसी जरा मेरी गल मन के चादर एक बारी लाओ ना मोढ़ियां तो, मैं भी तो नहीं लई, मोढ़ियां तो चादर लाओ, जरा एक बारी छल पा दियो जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, आप तशरीफ फरमा लेटे सन, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला नु हाजिर हो गए ते नबी पाक दा चेहरा वेख्या है ते अखां जासू आ गए ने, अल्लाह दे नबी दे रुखसार दे चटाई दे निशान पए होए ने, ते हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला नु अर्ज़ करदे ने, ए मेरे सोने महबूब जी किथे कैसरो किसरा दे महल्लात विच रहिंदे ने, किन्ने नखरिया नाल जिंदगी गुजारी है, अल्लाह दे नबी तुसी सारी कायनात दे सरदार हो, अल्लाह दे पैगंबर तुहाडे चेहरे ते चटाई दे निशान पए होए ने, ते मेरा दिल बड़ा दुखी हो गया है, ते मेरे पैगंबर की फरमाते ने, ए मेरे उमर क्या तू राजी नहीं है मातरदार, अल तकून लहुम दुनिया वलन अल आखिरा, क्या तू राजी नहीं उन्हां नू दुनिया मुबारक है सानू जन्नत मुबारक है, सानू दुनिया दे मुकाबले ते जन्नत मुबारक है, जे नहीं समझ आई अल्लाह पाक ने महबूब नू की फरमाया है,
रब की मुलाकात पसंद कर लो। मेरे नबी ने दुनिया पसंद नहीं की, रब की मुलाकात पसंद की है। ये मेरे पाप पैगंबर इस्लाम ने लेकिन मेरे पैगंबर का घर छड़ना जे चांदियां दे रब ते रब दे रसूल छड़ दी जन्नत लै ली। जे नहीं समझ आई नबी पाक अली सलाम दे बड़े प्यारे अंसार सहाबा घर विच मशवरा आपस विच ना मशवरा कीता अज हजूर मस्जिद नबी तशरीफ फरमा ते अपनी रियासत दे मसाइल सुन रहे मशवरा की कीता कि पानी दा निकास हो नहीं पानी जाया हो जांदा है ते पानी दा मसला हल कराई। कट्ठे होके अंसार आ गए नबी पाक अली सलाम मुस्कुरान लग पे आप फरमंद ने लगता किसे काम आयो जी अल्लाह दे हुजूर आप फरमंद ने आज जो तुसी कहना है वो हो जाने जो कहना है वो जो कहना है वो हो जाने। अच्छा सियाबा चंदे आंदे जी असी ते अपनियां नालियां बनवानियां सन पानी दा निकास दा कुछ करना सी खेतां तक पानी पहुँचाना सी। सियाबा खामोश हो आपस में कहन लगे थोड़ा सैड तो हो जाइए हजूर जे इजाजत दियो दो मिनट उधर होके मशवरा कर लिया मुस्कुरान लग पे आप फरमाते ने कर लो मशवरा मशवरा कीता कहन लगे यार गल सुनो पानी जांदा जाए रुकदा रुक जाए छड़ दियो। हजूर फरमाया जो मंगोगे लभ जाएगा अज कोई चंगी चीज़ ही लभ लेंगे कोई होर चीज़ ही मंग लेने मशवरा कीता की मंगिए आहा की मंगिए मशवरा करते ने हुजूर कोलो यही दरखास्त कर दईए अल्लाह नू कह दियो अल्लाह सानू माफ़ी कर छड़े एक पासे दुनिया है एक पासे रब रसूल ने आओ कहिए वापस आए मशवरा हो गया जी हो गया हुजूर फरमांदे ने की चाहिए आंदे ने अल्लाह कोलो माफ़ी चाहिए आहा ते मेरे पैगंबर ने इसलाह फरमांदे ने अल्लाहुम्मा गफिर लिल अनसार वली अबना वाली अबनाई अबनाई अनुसार अर्श वाले
हजूर तुहाडे तो सदके जाइए। उन्हें क्या सानू माफ़ी हजूर फरमाने बच्चियां भी पोतरियां भी, पर अगले बंदियां दी अगलियां दी सोच की है। एक खड़े होए सहाबी हजूर वाले मवालीना साढ़े खादम ही ने गुलाम ही ने, आपने फरमाया वाले मवाली अंसार या अल्लाह अंसार दे गुलामों भी माफ़ कर दे। एक और सहाबी खड़े हुए वाली निशाइना अल्लाह के नबी साढ़िया बीविया साढ़िया बेटिया साढ़िया मावा साढ़िया भैन औरत, आपने फरमाया वाली निशाइल अंसार अल्लाह अंसार दिया औरतों भी माफ़ कर दे। क्या माहौल सी नबी पाक अलैहि सलातु वस्सलाम, माशाल्लाह जज़ाक अल्लाह ताला को दुआ फरमाओ अल्लाह इन्होंने नेक जिंदगी ईमान सलामती वाली लंबी जिंदगी नसीब फरमाए। आप भाई यूसुफ पसरू साहब इस मस्जिद जी खिताब फरमा रहे सन, इन्हें क्या कोई बंदा इस मजलस चो हाथ चुके जिन्हें 12 साल बिला नागा अजान दी है, तो मेरे नाना जी ने हाथ चुके कैसी मैं 12 साल बिला नागा अजान दी, तो फिर 5 नहीं 6 बजे दीतियां 6 बजे अजान 12 साल बगैर नागा। चलो अल्लाह पाक इन्हों से तो ईमान नसीब फरमाए। सहाबा दस की रहा दुनिया छड़ दी आखरत लभ ली, मेरिया सिर्फ 3 हदीसा ते पाक दा इख्तिताम। मैं सदके कुर्बान जावा एक माई आ जांदी है आंदी अल्लाह दे नबी जी मेरा एक सवाल है सोने खुशी दियां गल्लां कर दे। आप फरमांदे ब्याह कराए कहना जी मेरे नाल किन्ने कराने रंग दा काला मातां दे दाग हजूर मैनू किन्ने रिश्ता देना है। आप फरमांदे ने जे मैं तेरा रिश्ता करवा दें तो साड़ी जुबान च नाले चोपड़ियां नाले दो, ते हजूर होर की चाहिए। आप अली सलाम फरमांदे ने फलाने घर जा कुंडा खड़काई कई मैनू नबी पाक अली सलाम ने भेजिया तवज्जो करना मेरे नबी पाक अली सलाम भेजे अपनी बेटी का रिश्ता दे दौ। गए दरवाजा खटखटाया बाप बाहर आया हाँ किधर आया कौन है साध असल भी नाम है नबी का गुलाम ते हजूर ने भेजे अपनी बेटी का रिश्ता दे दौ। हैरान हो गए रंग का काला है भी गुलाम हसन नसब नहीं खूबसूरती भी नहीं पल्ले भी कुछ नहीं। कह लगा तू वापस चला जा फिर गल करांगे। मतलब सी कि मैनू ये रिश्ता वारे विच नहीं। हजे वो बंदा वापस निकलिया ना तो बेटी कहती अबू जी खैर है कौन आया सी ते बाप दसदा अल्लाह दे नबी दा गुलाम सी रंग दा काला सी मातां दे दाग सन मोटे मोटे होंठ सन है भी गुलाम सी रिश्ता मांग रहा सी ते तुसी मैं तो इनकार कर दिता ते बेटी आंदी अदर अल्लाह अमर रसूल कोई गल नहीं मैं राजी हाँ मेरा रिश्ता कर दो। बाप कह लगा जे बेटी राजी मैनू की तरह दौड़ ला दी
मैं जल्दी जल्दी, लेकिन हजरत साध पहले पहुंच गए, हजूर वो नहीं मने, वह भी पिछे साह चढ़िया। खैर हजूर मैं तो इनकार किया, मेरी बेटी ने हाँ कर दी है, तो जो उन्हें हाँ कर दी है फिर मेरी भी हाँ ही है, हजूर रिश्ता तय हो गया। आप फरमाते ने 400 दिरहम हक मेहर के बदले निकाह होएगा। किन्ना? 400। ते हजरत साहब ने जेड़ा होना सी ना व्याह, वह भी नहीं होना, मेरे को धेली नहीं थे 400 दिरहम। हजूर फरमाते तू क्यों परेशान है? हजूर मेरे को एक भी नहीं। आप फरमाते ने कोई गल नहीं, निकाह तेरा 400 दिरहम के बदले ही होना है, हक मेहर बजना है। जा भाई जाके तैयारी कर, बेटी नू दस निकाह हो जाएगा हम करीब। हाफिज साहब ने पाकिस्तान का 1.5 लाख रुपया बनता है। साढ़े ब्याह में दो ही काम सस्ते ने, एक हक मेहर बनो 2000 to 5000 है, तो दूजा मौलवी जिन्हें निकाह पढ़ाना उन्होंने 1000 रुपया दे के तुहाडी मेहरबानी। हाँ बाजे वाले भी 25 देना है। अल्लाह चलो खैर तवज्जो करना, 400 दिरहम हक मेहर। मैं परेशान से अभी होएगा कि? फरमाया परेशान ना हो, जा जरा अब्दुल रहमान बिन औफ को ते जा रजी अल्लाह ताला, उस्मान को जाना रजी अल्लाह ताला, अली को जाना रजी अल्लाह ताला, तिन्ना को गए सारे 200 दे दिता। किन्ने हो गए? चाहिए किन्ना? 600 लैके बड़े खुश वापस। हजूर 600 हो गया। आप फरमाते अल्लाह ये भी गल सुन लो, सहाबा चो किसे नहीं सी किया कि तू नबी पाक अली इस्लाम को आया तो मैं जाके पहले पूछते आवा तेन हजूर नहीं कर लिया? वो सोने हो, सारी दुनिया एक जी नहीं होती। हाफिज अबू सुफियान साहब का तालब इलम जाए तो ना लवे ना कि हाफिज साहब ने क्या बिल लाया 2000 रुपया दियो, तो जेब चो कढ़ के 3000 रुपया दियो, अल्लाह तुहानू देन का भी सवाब देगा, तो अल्लाह तुहानू इज्जत करन का भी सवाब देगा। सहाबा ये नहीं पूछिया? हुण पता करी, तवज्जो करना, ये हदीस मेरे मजमून का मगज, मैं बात खत्म करन लगा। 400 दिरहम रख दिता, 200 दिरहम कोल। आप फरमाने जा घर की कोई चीज चूज ले आया, तेरा हुण निकाह है। बाजार गए, ऐदा की रेट है? ऐदा की रेट है? रेट पूछ रहे, अचानक आवाज लगी, जिन्हें जन्नत जाना है नबी का लश्कर तैयार है, जिन्हें जन्नत जाना लश्कर तैयार है। सहाबी ने सोचा ये 200 रुपया कोल, 200 दिरहम मतलब कोल है, तो समान की लेना है? चुप करो, एक घोड़ा फड़ो, जीरा लो, तलवार लो, तो मदासा मार लिया कपड़े का, मूँह लका लिया, बाजू छुपा ले। चलो अगे जो सफा बजिया ना, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला नू कहन लगे, आ कौन है जिदा चेहरा नजर नहीं आ रहा, बड़ा मदासा मार रहा है? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला नू फरमान लगे, अली यार कोई गल नहीं है, तो साढ़े नाल है जेड़ा भी। लड़ाई शुरू हुई, ते हजरत साद ने अपना हाथ बुलंद किया, हाथ में तलवार है, हवा चली, इंज बाजू का कपड़ा पिछे हटिया, ते बाजू तो माता दे दाग नजर आए। मेरे पैगंबर वेख्या बाजू पकड़ लिया, आ फरमांदे ने अंत साद, क्या तू साद असल नहीं ते नहीं? अल्लाह दे नबी मैं साद असल नहीं आ, आपने थापड़ा दिता, कोई गल नहीं, जंग में शरीक रहो, जंग में शरीक रहे हत्ता के शहीद हो गए। मेरे पैगंबर नहीं सलाम, ऐसी आपा दिया मैदा के करीब गुजरे, जो हजरत साद रजी अल्लाह ताला नो दी मैयत वेखी, मेरे पैगंबर करीब बैठ जाते ने, आपका सिर चुप के अपनी कोल मुबारक बिच रख लेंगे ने, और प्यार योगा कर हजरत साद गुलामी ने सदके जावा काला जहा रंग है, मोटे मोटे ओंड ने, दुनियादारी हो कोई कीमत ना लभे, लेकिन मेरे मंग ने अपनी झोली बिच सर रखिया है। मेरे नबी मुस्कुराए, फिर मेरे नबी आंसू आए, फिर मेरे पैगंबर ने अज चेहरा मोड़ लिया है। सियापा अर्ज कर देने, ए सोने महबूब जी, अल्लाह के नबी ते नाल तां वेखिया ने, पहले मुस्कुराए फिर रोए फिर चेहरा क्यों मोड़िया? आ फरमांदे ने मैं मुस्कुराया ये दुआ, ये साध अपनी शान
अपना निकाह प्या करवांदा सी ए मेरे सियाबा मेरिया अखां जा सुए तू आए ने ए मेरे सियाबा इन्हें अपनी जान ते अपना माल सब कुछ रब दी जन्नत ते कुर्बान कर दिता है ते मैं चेहरा ए तू मोड़िया है मैं नबूवत दियां अखां नाल वेख्या है कि जन्नत विचों हूरां आईयां ने हत्थां विच थाल फड़े ने विच किस्मां किस्म दे फल दे खाने पए ने साद वास्ते लैके आ रहीआं हवा चल रही सी उहनां हूरां दे टखनिआं तों कपड़ा पिछे हटदा सी मैं हया करदिआं पैगंबर ने अपना चेहरा मोड़ लिया सी सब कुछ ही गया की लभिया ओ बोल छोड़ो लैनी नहीं जे की लभा आखरी हदीस वादे दे मुताबिक आखरी हदीस नबी पाक अली सलाम ना एक सफर ते गए ते एक सहाबी ने ना हुजूर दी दावत की बड़ा खाना पकाया प्यारा हुजूर अली सलाम ओदे घर दावत खादी बड़े खुश होए जिवें कितरे साल छे महीने हो गए ने आप फैसल साहब कहते असी दावत खानी है तो आ ही नहीं रहे अज हजूर गए दावत खाधी बड़े खुश होए फिर खुश होके आपने फरमाया कभी तू ही मदीने आया तो यार दस के आई तेरी खिदमत मैं नहीं करा हजूर फरमाते ने यह गल जो फरमाई ना सियाबी का दिल भी तड़पया कि क्या बात होएगी खैर बड़ी देर गुजर गई ये बंदा मदीने आया जेड़े सियाबी नाल सन ना उन्हें वेख्या आके कह लगे हजूर वह बंदा जिन्हें रोटी नहीं सी पकई वह बंदा अज मदीने आया आ फरमाते उन्होंने कहा जे मैनू मिलन तो बगैर ना जाए आपने बड़े सोहने अपने घर खाने तैयार किए इस ये बंदा आया ना आप अली सलाम ने इनू खाना खुद ये सामने रखिया इन्हें खाना खाधा तो जो वापस जान लगा ना हजूर फरमाते ने कुछ चाहिए ही कुछ चाहिए ही कहता जी गल वे हजूर मैं पैदल ही आया तुहानू पता किन्ना सफर है मैं पैदल आया एक ऊंट दे दियो हाँ जिदे ते सवार होके वापस चला जा मेरे नबी ने फरमाया जेड़ा मदीने दे वाड़े विच्चों सब तो आला सब तो तेज सब तो सेहतमंद ऊंट है ना वो इनू दे दियो उन्हें ऊंट दे दिता तवज्जो करना तवज्जो कर ऊंट दे दिता आ फरमाते ने कुछ होर मंग लै वो कुछ होर ले लै कहन लगा हजूर घर साढ़े दुध शुद्ध का इंतजाम कोई नहीं तो जे एक बकरी लभ जाए ना तो बच्चे दुध शुद्ध पीन गए तो बड़े राजी होंगे मेरे नबी ने फरमाया मदीने विच मेरे सहाबा जिहड़ी सब तो अच्छी बकरी है ना इस बंदे नूं दे दिओ उन्हूं बकरी भी दे दी उन्हें बकरी रखी ऊंट ते आ बैठा ऊंट ते सलाम अलैकुम जी वो गया टुर मेरे पैगंबर फरमाते ने मेरे सहाबा जिहड़े करीब खड़े सन आ जस तू अंत कूनो मिसला अजूस बनी इसराइल और कमाकाल अली इस्लाम आ फरमाते ने तुसी वो बनी इसराइल दी बुढ़ी माई नालों भी रहे जे सहाबा कहन लगे वो ऊंट लै गया बकरी लै गया तो रह असी गए सानू को गल की समझ नहीं आई आ फरमाते ने यार तुसी उस माई नालों भी रहे ओ माई कौन है हजरत मूसा अलैहि सलाम का दौर है अल्लाह पाक ने फरमाया अपने उम्मती मुक्तदी सहाबा लैके चले जाओ हर रोज रात को निकल तो राह को ना लभे जिमें कल का को नहीं पै लभदा बोलो तो सही ना राह राह को ना लभे नेरा सी कोई पता ही ना लगे उन्हें किसी सियाने नाल आलमे दीन नाल मशवरा किया मूसा अलैहि सलाम फरमाते ने हर रोज रात को निकलने राह ही नहीं लगता अल्लाह उन्हें कहा एक जगह तो राह मिल सकता एक माई है माई बड़ी वडेरी फलाने महल फलाने घर रही तुहानू उथों को खबर मिल जाएगी क्यों अल्लाह पाक ने वही की मूसा ये मेरे मूसा उन्नी देर राह नहीं लभना जिनी देर तुसी यूसुफ अलैहि सलाम का तबूत लैके इथों नहीं जाओगे हुण वो तबूत कितों लभे अल्लाह का वादा वो लैके जाना नबी यूसुफ कह गए सन मैनू उत्थे दफन ना करो जिथे लोग मेरे ते कबर ते सजदा करन लग पे तबूत लभना हो माई को
گل مختصر کرا، موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، اما خیر خریت ہے جی پتر، تانوں یوسف علیہ السلام دے تابوت دا پتا ہے؟ آندی ہاں پتا ہے، تے ماں دس، آندی انجی دس ہے، انجی دس ہے، بدلے چ مینوں کچھ چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام سوچ دے ہون گے مائی اللہ جانے کیڑا سوال کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہن لگے جے کوئی دین والی شے ہوئی تے دے دیاں گا، تے جے میں دے ہی نہ سکیا تے میں کی دینا ہے؟ اللہ پاک نے وحی کر دی تھی، موسیٰ میں رب دا وعدہ ہے، مائی جو منگے گی میں اللہ دے دیاں گا، تسی وعدہ کرو، وعدہ کر لو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا، مائی جو منگے، لیکن تب وہ دسنا ہے، مائی آندی ہے موسیٰ اے رب دے نبی مینو کچھ نہیں چاہیے، میرا ایکو مطالبہ ہے، مینو موسیٰ نبی دا جنت وچ گواڈ چاہیے ہے۔ مینو تے موسیٰ نبی دا جنت وچ گواڈ چاہیے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حیران، اما تینوں پتا ہے میں موسیٰ ہاں تے میرا گواڈ جنت وچ تینوں مل جائے گا۔ رب نے کیا سی، وعدہ کیتا سی، جو مائی منگے گی میں دے دیاں گا، جنت وچ تینوں گواڈ مل جائے گا۔ جدو تابوت کڈیا تے تابوت لے کے موسیٰ علیہ السلام ٹرے، اللہ نے سارے رستے روشن کر دیتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ انہوں میں کیا سی، مانگ لے مانگ لے مانگ لے، کدی اونٹ کدی بکری کدی سامان، کیا اچھا ہوں گا؟ وہ کہہ دینا، حضور اونٹ بکری تے لب گئی ہے، رب کو جنت بھی لے دیو۔ یہ تے اس مائی نالوں بھی رہ گیا، جدو دنیا آخرت سامنے آ جائے پھر دنیا ختم، جنت دی تلاش شروع۔ جو سنیا سنایا، اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔